तो इस वाले वीडियो में हम खुद की टार्जन बनाने वाले हैं, टार्जन द वंडर कार, खुद से अपने आप चलेगी वो गाड़ी। आप कोड को मत समझो कि कोड क्या काम कर रहा है, आप एल्गोरिदम को समझो। अगर आपने एल्गोरिदम समझ लिया तो कोड आप 15-20 दिन में सीख सकते हो और कोड कर सकते हो खुद की एक सेल्फ ड्राइविंग कार को। तो बेसिकली एल्गोरिदम ये है कि कोई भी एक कार ले लो, आप कोई भी कार ले लो, नैनो ले लो, कैसी भी फालतू सी कार ले लो, और उसके ऊपर आप एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाओ। जितने ज़्यादा कैमराज लगा सकते हो उतने ज़्यादा कैमराज लगा दो, और हाई रेजोल्यूशन कैमराज होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर पिक्चर आना चाहिए, और रोड पे आप गाड़ी को चलाओ कैमरा ऑन करके, और जो कैमरा है वो रिकॉर्ड करेगा रोड को, सामने गाड़ी आ रही है, सिग्नल्स आ रहे हैं, या फिर जितना भी टर्निंग आ रहा है रोड पे, उस हिसाब से आपने नैनो को या फिर जो भी कार आप चला रहे हो उसको किस तरीके से टर्न लिया या फिर ब्रेक मारा या फिर क्या किया कार के साथ, आपने ठोक दिया, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी कैमरा में। और ऑब्वियसली आप GTA जैसी हरकतें नहीं कर सकते या फिर सलमान भाई आप नहीं बन सकते, अगर वैसे करोगे तो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार भी उसी तरीके से बिहेव करेगी। तो आपको बहुत ही डेलिजेंटली गाड़ी को चलाना होगा और रिकॉर्ड करना होगा सारी चीजों को। तो यही एक बेसिक एल्गोरिदम है, आपने जैसे ही रिकॉर्ड कर लिया उसी रिकॉर्डिंग के मदद से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, और फिर जब टेस्ट करते हैं मॉडल को, गाड़ी को खुद से चलाने के लिए हम छोड़ देते हैं, तो वो देखता है कि यार ये तो मैंने देखा हुआ था कैमरा में, मेरे सामने ये गाड़ी आई थी सामने, तो मैंने रोक दिया था अपने आप को, तो गाड़ी रोक देगी। या फिर टर्न आता है तो वो सोचेगा कि ये टर्न आया हुआ है तो हमने टर्न ले लिया था। और ऑब्वियसली इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा होता है, हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगाना और फिर सेंसर्स लगाना। लाइक टेस्ला का आपने पहला मॉडल देखा होगा, बहुत ही घटिया डिजाइन थी उसकी, बहुत ज्यादा मीम्स बने थे, इसलिए उसकी डिजाइन कम थी क्योंकि जो मॉडल था वो ही बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, और अगर डिजाइन पे भी वो लोग पैसा खर्च करते तो जो कॉस्ट है कार की वो बहुत ही ज्यादा निकल के आती और कोई परचेस ही नहीं करता। तो यार जब इतनी बड़ी कंपनी इतना खर्चा नहीं कर पाई तो हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बट हम ये कर सकते हैं कि हम एक सिमुलेटर यूज कर सकते हैं और वहां पर हमारे पास कार होगी, हमें बनी बनाई हुई कार दी जाएगी, वहां पर सेंसर्स और कैमराज लगे होंगे, हम उसी का यूज करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो अगेन। तो ट्रेनिंग मोड में मैं जाता हूँ, और अभी यहाँ पर हमें ट्रेन करना है, और इस गाड़ी पे 3 कैमरा लगे हुए हैं, एक राइट में, एक लेफ्ट में और एक सेंटर में। तो तीनों चीज़ ये रिकॉर्ड करेगा, इसके आसपास क्या क्या चल रहा है, जैसा रोड आएगा किस हिसाब से हम टर्न ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड करेगा। जैसे ही मैं R दबाऊंगा तो रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रहा है, आप देख सकते हो, और अभी मैं गाड़ी यहाँ पर खुद से चला रहा हूँ मैनुअली, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। और ऑब्वियसली हमें स्लो गाड़ी चलानी होगी क्योंकि जिस तरीके से हम ट्रेन करेंगे उस तरीके से गाड़ी चलने वाला है। तो डेटा कैप्चर हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उस फोल्डर में क्या क्या हुआ है। तो टार्जन नाम के फोल्डर में गया और CSV फाइल आ चुकी है, ये एक एक्सेल फाइल है, और एक इमेज फाइल भी आई है यहाँ पर। तो मैं इमेज फाइल अगर आपको बताऊँ तो ये सारे इमेजेस उसने कैप्चर किए हैं, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें 2199 आइटम्स है। मैंने सिर्फ एक मिनट के लिए इसे ड्राइव किया था, तो इसी के बेसिस पे अभी हम डीप लर्निंग मॉडल एक ट्रेन करेंगे। बट इसमें एक दिक्कत है, मैंने सिर्फ एक मिनट के लिए कार को ड्राइव किया था, और एक मिनट के कार के ड्राइव पे अगर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा एरर्स होंगे, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हमारे पास किसी ने, NVIDIA ने एक्चुअली 72 आवर्स का प्री ट्रेन ड्राइविंग मॉडल हमारे लिए रखा है, मतलब 72 आवर्स तक NVIDIA के किसी एम्प्लॉय ने कार चलाया था, मस्त गेम खेला था वो वाला, और मॉडल को ट्रेन किया था, क्योंकि ऑब्वियसली 72 आवर्स का अगर मॉडल है, 72 आवर्स की रिकॉर्डिंग है, तो उसको ट्रेन करने के लिए आप सोच सकते हो कितना टाइम लगेगा। वो 2-3 दिन मस्त आपको बैठे रहना पड़ेगा कंप्यूटर चालू रख के, लाइट चली गई तो वो अलग दिक्कत है, आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास उतना टाइम है नहीं, और अगर आप सोच रहे हो कि आप खुद से 72 आवर्स तक ट्रेन करोगे या फिर ड्राइव करोगे मॉडल को, तो यार ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, ये बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ी है ये, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास पड़ा हुआ है तो आप फालतू मेहनत क्यों कर रहे हो, जो चीज़ पड़ी हुई है उसका यूज करो। आप एल्गोरिदम अगर समझ गए हो तो बस उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी 72 आवर्स पे जो प्रीट्रेन मॉडल है उसका यूज करके आपको अभी बताएंगे कि कैसे सारी चीजें वर्क कर रही है। तो यार ये वो मॉडल है, प्रीट्रेन मॉडल है, लाइक डेटा फ्रेम यहाँ पर हमने CSV फाइल से रीड की, फिर एक्स जो है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें हमने 3 फोटोज लिया, सेंटर, लेफ्ट, राइट, और जो वाई है वो स्टीयरिंग एंगल है, और फिर हमारे पास ट्रेन और टेस्ट डेटा सेट आ गया। फिर ये जो है ये मेन मॉडल है, मेन बॉडी है डीप लर्निंग मॉडल का, और ये वाला फंक्शन जो है ये मॉडल को फिट करने के लिए, एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ये अगर मैं रन करूँगा तो, इसलिए हमारा काम आसान कर लिया है लोगों ने, और हमें ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल दिया गया है, model.h5 इसके अंदर से फाइल निकलती है, वो प्रीट्रेन मॉडल है, उसी के बेसिस पे अभी हम रन करते हैं। तो यार रन करने के लिए मैंने एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट खोल लिया है, और इसी से हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को। थोड़ा सा आपको लिनक्स कमांड आना चाहिए, नहीं आता है तो भी आप कॉपी कर सकते हो कोड को, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, सारी चीज़ें एक्टिवेट करते हैं अब।
और यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो चुका है सर्वर। तो हम यहाँ से ऑटोनोमस मोड और जो ट्रैक है हम फर्स्टली फर्स्ट वाले ट्रैक पे ट्राई करेंगे। तो ऑटोनोमस मोड पे मैंने क्लिक किया और जो कार है वो देख सकते हो आप, अपने आप चल रही है, मोड ऑटोनोमस है अभी भी। अगर मैं मैनुअली करूंगा लाइक मैंने अभी मैनुअली कर रहा हूँ तो मैनुअल लिख के आ गया वहाँ पर, बट हम ऑटोनोमस रहने देते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है और कितने अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है, यहाँ पर स्टीयरिंग एंगल भी आ रहा है। बट अब हम इसे नए रोड पे लेकर जाते हैं, इस रोड पर हमने ट्रेन भी किया था तो इस रोड पर तो अच्छा है, बट इस रोड पे जो नया रोड है उस पे देखते हैं। और ऑटोनोमस मोड मैंने स्टार्ट कर दिया और अब देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसा परफॉर्म करता है। तो यार यहाँ पर भी अच्छा ही ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, और ऑब्वियसली थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि पिक्सल्स जो है वो सेम होते हैं। ट्रेनिंग मोड में भी कुछ कुछ पिक्सल्स यहाँ पर मिल रहे होंगे, इसलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा, बट ऐसे तो कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तो इस रोड पे भी एकदम अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए, होपफुली आपको मजा आया होगा। और आपको अगर ट्राई आउट करना है तो ऑब्वियसली आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, गिटहब की लिंक होगी, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाओ, वहां से भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, अगर आपको एल्गोरिदम समझ गया है तो थम्स अप, आपने एक बहुत ही अच्छा काम कर लिया, आप सीख गए हो ये सेल्फ ड्राइविंग कार वाली फीचर, और आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो आगे कोड करके। अगर आप कोडिंग सीख जाओ तो 15-20 दिन ही लगता है सीखने के लिए, तो आप सीख सकते हो। और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। बाय।